हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने कोरोना के बारे में आगाही प्रोग्राम बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हदूद मौजमचाही मार्केट में मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में कुल हमारे 5 जोन में 80 चेक पोस्टें हैं, जहां 6000 के आसपास लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और हैदराबाद सिटी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान लगभग 5000 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और फिलहाल मुस्बित वाकयात की तादाद में कमी हो रही, लिहाजा आवाम से अपील करते हैं कि जो लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो बराए करम घर पर ही रहें ताकि कोरोना केसेस में कमी आए। पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसी ड्यूटी के दौरान अभी एक बहुत सैड, एक बहुत ट्रेजिक इंफॉर्मेशन भी मिला। नील चौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर वेणु बाबू, उनका रोड एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था, आज हॉस्पिटल में, अभी कुछ लम्हे पहले उनका डेथ हुआ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजिडी की बात है, और ख़ास करके वो एक्सीडेंट उनका उस दिन हुआ जो जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लोग, सभी 14,000 एंड अबव कांस्टेबल ऑफिसर्स, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इंजुरी भी हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं कुछ, तो आपके तरफ भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। खास करके जो 1% लोग जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूँ कि जब हैदराबाद शहर के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन को रिस्पेक्टफुली मान रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो ये 1% जो 2000-4000 लोग हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं।